Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असटेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इज माई थर्टीन लेक्चर टू विच आई एम गोइंग टू प्रजेंट बिफोर यू सिंस आई हैव चोजन दिस हिंदी मीडियम सो दैट इट्स माई पास ड्यूटी टू प्रजेंट दिस टॉपिक इन हिंदी मैंने यह मेरा संवैधानिक विधि का थर्टींथ लेक्चर है लेक्चर नंबर थर्टीन जिसका टॉपिक है संघ की विधायिका एवं विध निर्माण जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन को देखें स्लाइड पर स्लाइड के माध्यम से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है कि संसद पार्लियामेंट आर्टिकल सेवेंटी नाइन भारतीय संसद के अंतर्गत आर्टिकल सेवेंटी नाइन में संसद की बात की गई है पार्लियामेंट में तीन कंपोनेंट हैं यह आर्टिकल सेवेंटी नाइन के अकॉर्डिंग पहला है राष्ट्रपति एक क्रम भी उसी रूप में है सेकेंड पर है राज्यसभा और थर्ड है लोकसभा यह इस रूप में भारतीय संसद के तीन आवश्यक कंपोनेंट हैं राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति की क्या पावर हैं संविधान में ये मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने अपने व्याख्यान में आपको बताने का प्रयास किया इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि विधायिका भारतीय संसद कैसे कानून बनाती है और राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात वह देश के लिए कैसे कानून बनता है संसद के जो तीन आवश्यक घटक हैं राष्ट्रपति की बात हो गई राज्यसभा है जिसमें ने नीचे लिखा हुआ है 250 मेंबर हैं 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या जो इसमें 250 है 238 जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत करता भारत का राष्ट्रपति साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर चार आधार दिए गए हैं कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति ऐसे किसी बारह ऐसे बारह व्यक्तियों ऐसे बारह व्यक्तियों को जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं सराजनीय योगदान दिए हैं उनको भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में बारह सदस्यों को नियुक्त कर सकता है ये राज्यसभा के अंतर्गत बात की गई है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या फाइव फिफ्टी टू की गई है पांच सौ पचास सदस्य जो होंगे वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं इस आउट ऑफ फिफ्टी मैं इसी स्क्रीन पर आप देखें आउट ऑफ फाइव फिफ्टी टू मैं इसको अगर इसको इस रूप में बताने का प्रयास करूं कि पाँच सौ जो तीस हैं यह राज्यों के राज्यों से प्रत्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं बीस ऐसे जो हैं वो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं दो इसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं वह आंग्ल भारतीय समुदाय को होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है यदि उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है कुल मिलाकर के लोकसभा में अधिकतम संख्या जो मैक्सिमम पाँच सदस्य पाँच सदस्य हो सकते हैं जो दो होंगे वह एंग्लो इंडियन हैं मैंने सारी सोचना इसमें अब आप नीचे मैंने स्लाइड पर देखिए बनाया स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि मॉन्टेस्क्यू जो सेपरेशन ऑफ पावर की जनक माने जाते हैं फ्रांसीसी वेदशास्त्री फ्रेंच जोरिस्ट मॉन्टेस्क्यो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपाउंडेड डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टरिन एवरी ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट शुड परफॉर्म इट सोम फंक्शन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी जो तीन अंग हैं सरकार के विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के द्वारा विधि निर्माण करना कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए लॉ को की वैधानिकता को सुनिश्चित करना कि वह वैध है संविधान सम्मत है या नहीं है या नागरिक अधिकारों की समीक्षा करना ये तीन सरकार के अंग हैं मैंने उसको स्क्रीन के माध्यम से बताने का आपको प्रयास किया है अब संघ की विधायिका कैसे कानून बनाएगी और उसको किस रूप में समझा जाएगा आप इसमें देखें मैंने एक दल बदल कानून उन्नीस इस पर लिखा है स्क्रीन पे एंटी डिफेक्शन लॉ इसको भारतीय संसद के द्वारा वर्ष उन्नीस में 1985 में बावनवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा ये जोड़ा गया संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई मैं इसको संक्षेप में यहाँ बता दूँ स्क्रीन पर आप देखें उसके पश्चात मैं इसकी व्याख्या करता हूँ डिटेल में और कोई भी एम पी एम एल ए जो अपने दल की सदस्यता त्याग दे वो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के दायरे में आएगा कोई भी एम पी एम एल ए जो जिस दल से चुनाव जीत के आता है अगर उस दल की सदस्यता त्याग दे तो प्रथम दृष्टया उसी तारीख से वो विधाय विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा दूसरा हमने लिखा दल के विपरीत किसी दल को मतदान करता हम जिसको विफ बोलते हैं कि अगर जिस भी दल का सदस्य है राजनीतिक दल ने जारी कर दिया है कि बिना मतदान सदन में मतदान के समय उपस्थित रहेंगे और अपने ही दल को मतदान करेंगे इस प्रस्ताव से अलग जाकर अगर कोई भी विधायक या एम मतदान करता है तो वह भी अयोग्य ठहराया जाएगा इसको इस भाषा में बोलें तो तीसरा इसको देखो विलय होने पर उस दल के अगर दो तिहाई लोग स्वीकृति दे दें इसका अपवाद एक्सेप्शन है कि अगर किसी राजनीतिक दल के दो तिहाई सदस्य अलग हो जाएं सेपरेट हो जाएं और एक नया दल बना लें तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होता और सरकार को जो अल्पमत में है उसको समर्थन दे करके सरकार सत्ता शासन का लाभ वो ले सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था दल बदल कानून उन्नीस में की गई थी अब इसको देखें वर्ष 2003 में जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2003 में इक्यानवेवा संविधान संशोधन 2003 जिसमें उन्हें लिखा हुआ टेंथ शेड्यूल का पैरा निरस्त किया गया जिसके अनुसार ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी दल के एक तिहाई सदस्य वन थर्ड मेंबर अलग होकर के नया दल बना लेते हैं तो वे अयोग्य माने जाएंगे इसमें आ गया कि पहले था कि अगर कोई किसी राजनीतिक दल के अगर एक तिहाई सदस्य स्प्लिट करके आ गया जैसे माना कि नब्बे सदस्य हैं तो नब्बे का वन थर्ड हो गया थर्टी थर्टी सदस्य अगर एक नब्बे से एक सौ वन थर्ड हो गया तीस सदस्य यदि अलग हो गए तो नया एक दल बना देते थे और वह अपने दल से अलग हो कर के एक नया दल बना करके अल्पमत सरकार को समर्थन दे करके के पाँच साल तक वो सत्ता में बने रहते थे इसकी गंभीरता को समझते हुए भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने पर संसद ने कानून बनाया कि अगर वन थर्ड भी स्प्लिट होती है तो भी हम नया दल नहीं माने जाएंगे वो निर्योग्य माने जाएंगे अयोग्य माने जाएंगे उनकी सद, संसद सदस्यता या राज्य विधानमंडल में है तो राज्य विधान की सदस्यता समाप्त समझी समझी जाएगी यह भारतीय राजनीति में सुचता लाने के लिए भारतीय राजनीति में पवित्रता लाने के लिए प्रयास किया गया कि अगर एक तिहाई सदस्य राजनीतिक स्वार्थ की वजह से अलग होकर के अगर आते हैं और सत्ता शासन में बने रहने के लिए आते हैं तो उनको अयोग्य निरोग घोषित किया जाए क्योंकि चुनाव में वह वह जिस विचारधारा के विरुद्ध लड़ लड़के आते हैं और आकर के सत्ता शासन के लाभ के लिए स्प्लिट करते हैं अपने दल से अलग होकर के और उसी दल का समर्थन करते हैं जिस दल का वह विरोध करके निर्वाचन जीते हैं जनता को जनता से मतदान प्राप्त किए हैं तो निश्चित रूप से जनता के साथ भी धोखाधड़ी है इसलिए भारतीय संसद इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्ष 2003 में एक संशोधन किया जिसमें कि अगर एक तिहाई भी स्प्लिट होगी तो वह अयोग्य समझे जाएंगे दूसरा एक प्रावधान इसमें इस स्क्रीन पर आप देखें एक मैंने नीचे सबसे लिखा है एक केस सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन में डिसाइड किया उस केस का नाम है की हो तो होलान वर्ष जाचिलू मणिपुर का एक केस है केस के नाम से की हो तो होलान वर्से जाछिलू एआईआर 1992 सुप्रीम कोर्ट इस एंटी डिफेक्शन लॉ जो उन्नीस का कानून है उसके जो दसवीं अनुसूची है उसके पैरा सेवन में जो स्पीकर के निर्णय को न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया मैंने इसको अंडरलाइन किया है नीचे आप देखें कि इस दल बदल कानून में जो दसवीं अनुसूची जोड़ी गई उस दसवीं अनुसूची के पैरा सात में एक प्रावधान किया गया था कि जब कभी भी संसद सदस्य की निरोग्यता सम्बन्ध लोकसभा के सदस्य की निरोग्यता संबंधी प्रश्न या राज्य विधानसभा की निरोग्यता संबंधी प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह दल बदल की कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता है तो इस उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य की स्थिति में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष राज्य विधानसभा की सदस्य की स्थिति में निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा उस राज्य लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनर्लोकन नहीं होगा और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा यह दसवीं अनुसूची के पैरा सात में लिखा हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ष उन्नीस में स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवान भारती बनाम केरल राज्य आई आर सुप्रीम कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पावर रखती है परंतु संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है आधारभूत ढांचे क्या होंगे जिस पर संविधान अवलंबित है जिस पर संविधान टिका हुआ है उस संविधान के आधारभूत ढांचे को बेसिक स्ट्रक्चर को संसद कानून के माध्यम से संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा यह स्वयं सुप्रीम कोर्ट बताएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने पास एक राइडर लगाया कि संसद कुछ भी कर ले संशोधन कर ले लेकिन बुनियादी चीज़ों को संशोधन करने का पावर और ये न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करने का पावर ही संसद ले ले समाप्त कर दे तो यह भी एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करने के पावर को ही समाप्त कर दे कि संसद कोई कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकता है उसकी जाँच नहीं कर सकता है ये अगर प्रावधान हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह संविधान की आत्मा समाप्त होगी संविधान नष्ट करने का प्रयास होगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकती है तो स्पीकर का पावर स्पीकर का निर्णय अंतिम हो जाए और उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी चेक न कर सके उस पैरा को संसद के उस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है मैंने केस आपको बताया किस केस में कहा तो दल बदल कानून के माध्यम से आप देखें कि भारतीय संसद के द्वारा वर्ष उन्नीस में ये दल बदल कानून कैसे बनाया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने के पीछे केवल और केवल मंशा ये थी कि भारत भारतीय राजनीति में स्वच्छता लाई जाए पारदर्शिता लाई जाए जिससे लोगों का विश्वास भारतीय राजनीति में और भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था में बना रहे इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने वर्ष उन्नीस में ये दल बदल कानून बनाया था दल बदल कानून में क्या खामियां थीं मैंने जैसा कि आपको बताया संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में यदि कोई खामी है कोई डिमेरिट है तो उस डिमेरिट को दूर करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट संविधान संरक्षक के रूप में करता है और जैसा कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है अब आते हैं संसद के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं उस कानून को बनाने में लॉ को इैक्ट करने में पार्लियामेंट किन प्रोसीजर को अडॉप्ट करती है इसको मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताने समझाने का प्रयास किया है आप इसको स्क्रीन पर देखें बहुमत तो मैंने लिखा है मेजॉरिटी बहुमत को मैंने डिवाइड करने का प्रयास किया है तीन भागों में साधारण बहुमत है साधारण बहुमत के आगे मैंने लिखा 50 परसेंट प्लस वन प्रजेंट एंड वोटिंग फिर उसके बाद मैंने लिखा विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी फिर मैंने तीसरा लिखा है विशेष बहुमत प्लस 50 परसेंट प्लस वन राज्यों का अनुसमर्थन अब दो तिहाई बहुमत है और नीचे मैंने एक लिखा है एरो बना के सबसे नीचे सदन में मतदान एवं गणपूर्ति कोरम इसको बोलते हैं कोरम क्या है और ये संविधान क्यों इस रिक्वायरमेंट पर बल देता है संविधान के आर्टिकल हंड्रेड के अंतर्गत कोरम की बात की गई है कि सदन की कोई भी कार्रवाई वैध नहीं संविधान सम्मत नहीं मानी जाएगी जब तक कि संसद के दोनों सदनों में कम से कम उस सदन की कुल संख्या का वन टेंथ सदस्य उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में उस सदन की कार्रवाई को वैध नहीं माना जाएगा इसलिए सदन की कार्रवाई की वैधता के लिए उस सदन संख्या का वन टेंथ मेंबर का प्रेजेंट होना आवश्यक है यह संविधान के आर्टिकल सौ में हंड्रेड में लिखा हुआ जिसको हम गणपूर्ति या कोरम की संज्ञा देते हैं अब आते हैं इस स्क्रीन पर आप देखें मैंने साधारण बहुमत विशेष बहुमत और तीन प्रकार के बहुमत मेजॉरिटी को मैंने इसको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है मेजॉरिटी साधारण बहुमत विशेष बहुमत विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन तीन हैं अब देखते हैं कैसे किन किन विधेयकों में साधारण विधेयक की आवश्यकता होती है अब इसमें देखें मैंने एक लिखा है स्क्रीन पर विधेयक वर्ड लिखा हुआ विधेयक बिल विधेयक कितने प्रकार का होता है मैंने एक लिखा है सबसे पहला साधारण विधेयक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल वन जीरो सेवन में सभी विधि के छात्र होने के नाते लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को ये समझना है कि किसी शिक्षक के बोलने कहने से कानून में कोई मतलब नहीं है जो भी चीज़ें हैं कानून में सभी चीज़ लिखी हुई हैं संविधान के आर्टिकल वन जीरो सेवन में साधारण विधेयक के प्रावधान विषय में प्रावधान किया गया है संविधान के वन जीरो एट में संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है अभी इसको बताते हैं साधारण विधेयक क्या है धन विधेयक और वित्त विधेयक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल एक सौ में किया गया है मैंने एक संविधान संशोधन विधेयक बताया है आर्टिकल तीन के अंतर्गत बताया है कि जब संविधान में संशोधन की बात आए तो आर्टिकल 368 में किया गया है मैंने एरो बना करके नीचे आपको बताने का प्रयास किया कि किन किन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता संयुक्त अधिवेशन नहीं है मैंने इसको लिखा है नीचे और राष्ट्रपति की अनुमति कैसे होगी आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है आप देखना है कि साधारण विधेयक क्या है धन विधेयक वित्त विधेयक क्या है संविधान संशोधन विधेयक क्या है उसके पहले विधेयक की परिभाषा देखें जो ऊपर ही लिखा है बिल विधेयक क्या है बिल क्या व्हाट इज बिल तो मैंने आपको संक्षेप में बिल्कुल संविधान में इसकी परिभाषा कोई नहीं दी गई है परंतु सबसे जो इसकी सिंपलेस्ट डिफिनीशन है सबसे सरलतम परिभाषा वह है विधेयक की कि वे प्रस्ताव विधायी प्रस्ताव लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो दोनों सदन के द्वारा पारित कर दिए जाएं विधेयक कहलाते हैं अर्थात विधेयक वे विधायी प्रस्ताव हैं जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाते हैं तो कोई भी प्रपोजल है कोई भी प्रस्ताव है और वह विधायिका के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया तो वह प्रस्ताव विधायी प्रस्ताव विधेयक कहलाता है और जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होगी आर्टिकल एक के अंतर्गत वैसे ही वह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा कानून हो जाएगा विधेयक मैंने आपको बताया कि बिल का कोई मतलब नहीं है संसद के दोनों सदनों ने कोई विधायी प्रस्ताव पारित कर दिया है अगर राष्ट्रपति की उस पर अनुमति नहीं मिली है राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उस विधायी प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं सुनने है वह शून्य है इसलिए उस विधाई प्रस्ताव को कानून तब माना जाएगा जब भारत का राष्ट्रपति अपना उस पर हस्ताक्षर कर दे उसी तारीख और समय से वह कानून देश का कानून माना जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 111 सौ के अंतर्गत अनुमति कब देगा कब नहीं देगा कब रिटेन करेगा असेंट वो अभी देखेंगे पहले देखें साधारण विधेयक क्या है धन विधेयक क्या है और विधेयक मैंने अभी बताया है वो विधेयक तो विधेयक बिल की डिफिनेशन अब साधारण विधेयक क्या है ऑर्डनरी बिल क्या है संविधान के आर्टिकल वन जीरो सेवन के अनुसार जब कोई भी विधायी प्रस्ताव सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा फ्लोर ऑफ हाउस पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा तो सदनों के द्वारा 50 परसेंट उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक यदि उस विधेयक को सकारात्मक मतदान देते हैं तो वह विधेयक उस सदन के द्वारा उस सदन का मतलब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ समझा जाएगा अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर क्या है कोई भी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है चाहे वह लोकसभा में पहले आए या राज्यसभा में पहले आए अंतर बस केवल इतना है कि जो प्रस्ताव एक सदन में आता है उस सदन के द्वारा अगर वह मतदान करके दूसरे सदन को भेजा जाता है तो दूसरा सदन भी यदि उस पर मतदान कर देता है तो वह जो प्रस्ताव है जो जो हम चीज़ जानना चाहते हैं कि ये हमको लागू करना आने वाले समय में जो हमारा प्रस्ताव है वह दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित हुआ विधेयक कहलाता है ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा में वह विधेयक पहले पारित हो राज्यसभा में वह प्रस्ताव आए पटल पर प्रस्तुत किया जाए और उसमें प्रथम साधारणतः तीन वाचन होता है प्रथम वाचन द्वितीय वाचन तृतीय वाचन उस पर तीन बार बहस होती है बहस के पश्चात बहस एक ऐसा अवसर है जो जन प्रतिनिधियों को और विशेषकर विपक्ष को विपक्ष को सरकार के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को आलोचना करने का या उसकी नीतियों की खामियों को उजागर करने का एक अवसर प्रदान करना होता है डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में बहस डिबेट सदन के समक्ष एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से विपक्ष सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनता है और सरकार की रणनीतियाँ गलत हैं तो विपक्ष उस प्रस्ताव पर मतदान न करके अपना विरोध प्रकट कर सकता है और विशेषकर जब सदन में किसी भी राजनीतिक दल की बहुमत न हो और गठबंधन की सरकार है कोलिशन गवर्नमेंट है अलायंस गवर्नमेंट है तो उस स्थिति में सरकार के लिए विधेयक पारित करवाना बहुत ही कठिन कार्य होता है जब तक सभी घटक दल उस पर सहमति आम सहमति न बने तो सरकार के लिए लोकसभा या राज्यसभा से अपने ही प्रस्ताव को पारित कराना बहुत ही कठिन कार्य होता है परंतु विशेष परिस्थितियों में जब स, जब लोकसभा के लोकसभा के अंदर यदि किसी भी राजनीतिक दल को दो तिहाई बहुमत प्राप्त है या पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में विधायी प्रस्ताव का उस सदन के द्वारा पारित किया जाना मात्र औपचारिकता है एक फॉर्मेलिटी है क्यों क्योंकि विपक्ष के विरोध के बावजूद भी बहस और विरोध के बावजूद भी बाइकॉट के बावजूद भी यदि सरकार ने मनसा बना ली है कि हमें इस विधायी प्रस्ताव को कानून बनाना है पूर्ण बहुमत है दो तिहाई बहुमत है तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता और सरकार अपने उस विधाई प्रस्ताव को सदन के दोनों सदनों से संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा करके और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संदर्भित कर देता है भेज देता है तो संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा का महत्व तो कब बढ़ जाता है जब गठबंधन की सरकार हो और लोकसभा और राज्यसभा का महत्व तो उन परिस्थितियों में जब सरकार के पास दो तिहाई बहुमत है भारी मतों से अगर सरकार जीत के आई है तो ऐसी स्थिति में किसी भी विधायी प्रस्ताव को सरकार की मनसा और इच्छा का केवल और केवल मात्रिक साधन समझा जा सकता है विपक्ष का उसमें कोई रोल नहीं कितना भी विरोध हो कितनी भी बहस हो कितनी भी वो नकारात्मकता करें लेकिन सरकार ने चाहा है तो कानून बन जाएगा तो दोनों पक्षों को दोनों परिपेक्ष में रखना वर्ष उन्नीस का दौर है जब भारतीय केंद्रीय राजनीति में गठबंधन की सरकारों का प्रादुर्भाव हुआ आविर्भाव हुआ वर्ष उन्नीस में जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी किसी भी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में कभी बी सिंह सरकार चंद्रशेखर जी सरकार इन लोगों को कभी नौ नौ महीने में सरकार का सरकार का पतन होगा ग्यारह महीने में सरकार का पतन होना यह भारत की केंद्रीय राजनीति में अ अस, जो अस्थिरता है इनस्टेबिलिटी है स्टेबल गवर्नमेंट का न देना ये क्षेत्रीय दलों के उदय और घटक दलों की अपनी स्वेच्छाचारिता उनकी अपनी लीगल डिमांड की वजह से अनुचित डिमांड की वजह से केंद्र में केंद्रीय राजनीति में आप केंद्रीय सरकार का पतन देखे होंगे एक वोट से अगर केंद्रीय सरकार गिर जाती है एक मत मात्र एक लोकसभा का सदस्य मतदान नहीं करता है तो केंद्र में एन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक मतदान से एक वोट से सरकार गिर गई थी और विधेयक पारित नहीं हो पाया था बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे तो साधारण विधेयक मैंने बताया कि संविधान के आटकिल एक के अंतर्गत मात्र औपचारिकता है सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और किसी भी विधायी प्रस्ताव को बहस के पश्चात मतदान यदि आधे से एक अधिक सदस्यों ने मतदान कर दिया है तो वह उस लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक माना जाएगा उदाहरण के तौर पर यदि लोकसभा में हम माने कि वर्तमान में 542 सदस्य हैं तो 542 का यदि आप आधा कर दें तो लगभग 174 के आसपास और 174 प्लस वन अगर हम कर दें तो 173 और या 174 सदस्य यदि किसी भी विधायी प्रस्ताव पर अपना मतदान कर दें तो वह देश का कानून हो सकता है राष्ट्रपति उस पर अनुमति दें तो वह देश का कानून हो सकता है वैसे राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या दो है राज्यसभा में 250 के यदि आधा करेंगे वो 50 परसेंट करेंगे तो 125 आएगा और 125 में अगर एक जोड़ दें 126 राज्यसभा में अगर 126 राज्यसभा सदस्य जिस किसी भी विधायी प्रस्ताव पर इतनी सकारात्मक सहमति देते हैं उस राज्यसभा से पारित हुआ वह विधाई प्रस्ताव माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा परंतु एक अपवाद है अपवाद ये है यदि लोकसभा में सरकार को बहुमत पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है गठबंधन की सरकारें गठबंधन की सरकारों का दौर ऐसी स्थिति में अगर कोई घटक दल किसी विधायी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है और मेन मुख्य समय पर वह सरकार से समर्थन वापस लेने की बात करता है तो ऐसी स्थिति में संविधान में ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल लिए एक सौ आठ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट मीटिंग बुला लिया जाए संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाए और संयुक्त अधिवेशन में उस विधायी प्रस्ताव को पारित करा दिया जाए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया क्या होगी लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अगर एक भी अधिक व्यक्ति ने मतदान किया तो वह विधायी प्रस्ताव पारित हुआ माना जाएगा उदाहरण के रूप में इसको समझें दृष्टांत के रूप में यदि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है सपोज सरकार के पास सरकार बनाने के लिए अगर दो सौ में अगर दो सदस्य चाहिए टू उसके पास टू सेवेंटी फोर सदस्य नहीं हैं माना कि दो सौ पचासी सदस्य हैं लोकसभा में ट्वेंटी फोर उसके घटक दल हैं जिसने गठबंधन में जो शामिल हुए हैं मात्र उसके पास ढाई सौ सदस्य हैं तो टू फिफ्टी हो गए लोकसभा में और राज्यसभा में ढाई सौ में आप मानिए कि उसके पास केवल सौ सदस्य हैं ढाई सौ में मात्र सौ सदस्य सरकार के हैं और डेढ़ सौ जो है वह विपक्ष को लेकर के और सभी दलों के हैं तो राज्यसभा में भी अल्पमत आल्पम, में है उसका बहुमत नहीं राज्यसभा में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो लोकसभा के ढाई सौ सदस्य और राज्यसभा के सौ सदस्य ये तीन मिलकर ये हो जाएंगे ढाई सौ प्लस ढाई सौ लोकसभा के और सौ जो है राज्यसभा के तो साढ़े तीन सौ मेंबर हो गए दोनों सदनों के अब साढ़े तीन सौ में अगर आधे से फिफ्टी परसेंट कर दें उसका तो लगभग वन सेवेंटी फाइव और वन सेवेंटी फाइव में एक जोड़ दें तो वन सेवेंटी सिक्स यदि वन सेवेंटी सिक्स सदस्यों ने किसी विधायी प्रस्ताव पे संयुक्त अधिवेशन में सकारात्मक मतदान किया है तो वह संयुक्त अधिवेशन से पारित हुआ विधेयक माना जाएगा और उस पर कानून यद्यप कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र में बहुत सही नहीं मानी जाती यह केवल और केवल संविधान निर्माताओं ने उन विशेष परिस्थितियों में आपवादिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया कि जब सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाए और विपक्ष बाइकॉट कर रहा है सदन का विपक्ष अड़ गया है कि नहीं हमको इसमें मतदान नहीं करना हिस्सा नहीं लेना है और किसी विषय पर देश के लिए कानून बनाना बहुत आवश्यक है तो मात्र विपक्ष के विद्रोह करने से बाइकॉट करने से उस अच्छे कानून को न बनाया जाए संयुक्त अधिवेशन होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस विधायी प्रस्ताव को कानून का रूप देकर के हम देश में उसको लागू कराएं। ये उद्देश्य था इसको संयुक्त अधिवेशन करने का ज्वाइंट सेटिंग करने का तो मैंने आपको साधारण विधेयक और उस पर संयुक्त अधिवेशन दोनों को बताने का प्रयास किया है अब आप स्लाइड को देखें स्क्रीन पर देखें विधेयक मैंने नीचे लिखा हुआ है इसके स्क्रीन पर धन विधेयक और वित्त विधेयक धन विधेयक आप उसको स्क्रीन पर देखें संविधान के आर्टिकल एक सौ दस के अंतर्गत कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है फाइनेंस बिल है या नहीं है मनी बिल कोई बिल मनी बिल है या नहीं है इसको केवल और केवल संविधान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष एंडोर्स करता है लोकसभा को भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को पावर दिया गया है कि लोकसभा स्पीकर हैज़ पावर टू एंडोर्स वेदर पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट कोई एक बिल विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसको पृष्ठांकित करने का इसको प्रमाणित करने का कार्य केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित कर देने से कि यह विधेयक लो धन विधेयक है वह धन विधेयक माना जाएगा परंतु ऐसे किसी विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष कहते धन विधेयक माना जाएगा नहीं संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंतर्गत वो गाइडलाइन भी दी गई हैं आधार भी दिए हैं किन आधारों पर लोकसभा अध्यक्ष कहेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है जब किसी भी विधेयक में भारत की संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन जमा करने का या उससे धन निकालने का हो भारत की इमरजेंसी फंड जो है जो आकस्मिक निधि है उस आकस्मिक निधि से धन निकल भारत सरकार कोई धन निकालना चाहती है उससे संबंधित कोई अगर प्रस्ताव विधायी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वह विधायी प्रस्ताव धन विधेयक माना जाएगा संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत और धन विधेयक हो गया वित्त विधेयक हो गया मैंने नीचे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में दोनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा ज्वाइंट सीटिंग नहीं है ये आप ध्यान में देखिए नीचे ऐसा क्यों है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं है आप देखें धन विधेयक और वित्त विधेयक इतने अति संवेदनशील विधेयक हैं कि अगर इसमें मतदान करने और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कर दिया जाए तो विपक्ष सत्ता यदि सत्ता पक्ष से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसपे धन की आवश्यकता है भारत सरकार को उससे वंचित करने के लिए विपक्ष बाइकआउट कर सकता है और सत्ता पक्ष से असहयोग करने पर सत्ता पक्ष उस धन विधेयक को सदन से पारित नहीं करा करा पाएगी और राष्ट्र के समक्ष जो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसपे धन तत्काल धन की आवश्यकता है और धन के अभाव में वह देश का विकास पीछे हो सकता है या कोई राज्य विशेष पीछे हो सकता है आर्थिक विकास के कारण आर्थिक निर्णय के कारण धनाभाव के कारण तो ऐसी स्थितियों में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इन विषयों पर राजनीति करने का कोई अवसर विपक्ष को न दिया जाए राज्य के पास कोई या राष्ट्र के विकास के लिए धन कमी धन की कमी आड़े न आए ये सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने धन विधेयक वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन या गतिरोध होने की कल्पना भी नहीं की थी और गतिरोध न होने की कल्पना इस आधार पर की कि ये विपक्ष के पास एक हथियार हो जाएगा सत्ता पक्ष का विरोध करने और जनता को एक मैसेज देने के लिए कि इन्होंने देश अथवा राज्य के विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया इसलिए ऐसी स्थिति में धन विधेयक और राज विधेयक पर गतिरोध होता भी है तो भी सदन का स्पीकर डिसाइड करेगा और यह साधारण बहुमत से उसको पास करा ले जाएंगे सरकार उस पैसे को निकाल करके आर्थिक विकास में खर्च कर सकती है ये हो गया धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन नहीं मैंने स्क्रीन पर लिखा एक संविधान संशोधन विधेयक आप उसको देखें संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ये मैंने अच्छा एक अभी स्क्रीन पर ही देखें संविधान संशोधन विधेयक संविधान के आर्टिकल 368 तो ये विधेयक के प्रकार मैंने बताए साधारण विधेयक धन विधेयक विध बिद विधेयक संविधान संशोधन विधेयक ये इस... मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब इसके आ, आते हैं साधारण विधेयक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है स्क्रीन पर आप देखें मैंने आपको बताया कि साधारण विधेयक वह विधेयक वह विधायी प्रस्ताव जो संविधान संशोधन से संबंधित न हो या जो धन विधेयक से संबंधित न हो ऐसे सभी समस्त विधायी प्रस्ताव साधारण विधेयक कहे जाएंगे उनकी प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है वह राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी सदन में विधाई प्रस्ताव आ सकता है कोई रोक टोक नहीं है किसी भी सदन में आ सकता है बहस के पश्चात मैंने बताया डिबेट है डिबेट के पश्चात 50 परसेंट प्लस वन प्रजेंट एंड वोटिंग अगर है तो वह विधायी प्रस्ताव विधेयक का रूप ले सकते हैं विधेयक हो गया बिल हो गया अब उस लेजिस्लेटिव प्रपोजल को आफ्टर बिकमिंग बिल दैट बिल मस्ट बी रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट राष्ट्रपति को रेफर किया जाएगा उनकी अनुमति के लिए संविधान की आर्टिकल 111 के अंतर्गत आप उसको स्क्रीन पर देखें संविधान के आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करती है कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी अनुमति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देगा या अनुमति पर बीटो करेगा या उस पर अपने टेबल पर रखेगा या उसे कैबिनेट के पास राष्ट्रपति भेज सकता है मैंने बताया कि विधेयक को या तो राष्ट्रपति अनुमति देगा अधिनियम हो गया कानून हो गया राष्ट्रपति को लगता है कि बिल जो विधायी प्रस्ताव है या संविधान सम्मत नहीं लग रहा है उसको रिटेन कर ले उस पर हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं दे तो अगर किसी भी ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय तक अगर उस पर अनुमति नहीं देता तो वह विधेयक मान लिया जाएगा समाप्त हो गया राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर अनुमति न देना तीसरा है राष्ट्रपति उस बिल को पुनः सदन को भेज सकता है कि आप इसको पुनर्विचार करें पुनर्विचार के पश्चात यदि वह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए बात देगा ये प्रोसीजर है संविधान संस्था में साधारण विधेयक के विषय में पुनः इसको थोड़ा स्क्रीन पर मैं बताने का प्रयास साधारण विधेयक के विषय में जैसे आप बताएं मैं बताऊं कि आपको कोई भी कानून बनाना है जैसे दल बेदल कानून बनाना था या साधारण विधेयक को लें नरेगा मनरेगा जो कि बहुत प्रचलित है मनरेगा कानून बनाना है ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिन में कम से कम न्यूनतम सौ दिन की मजदूरी हमको गारंटी देना गारंटी रोजगार की गारंटी देना है गरीब परिवार को तो सौ दिन की जो रोजगार की गारंटी देना है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार उन रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम दिया गया राष्ट्रीय रो, रोजगार ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम लागू किया गया नरेगा उसको बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया मनरेगा हो गया उस कानून को संसद ने बनाया होगा साधारण बहुमत से लोकसभा में आया राज्यसभा ने पारित किया राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए गया राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दिया वह विधेयक कानून हो गया वर्ष दो से यह साधारण विधेयक है अब उस साधारण विधेयक के पश्चात आते हैं संविधान संशोधन विधेयक स्क्रीन पर आप देखें संविधान संशोधन विधेयक में प्रोसीजर क्या होगा यह संविधान में ही आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में लिखा हुआ है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे संसद के द्वारा स्क्रीन पर देखें संविधान के आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में आ सकता है सदन मतलब हाउस लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है यह संविधान में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होना है जीवन के अधिकार में आर्टिकल इक्कीस के, के अंतर्गत हमें प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को जोड़ना है प्राइमरी एजुकेशन को जोड़ने के लिए हम ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हैं राज्यसभा में ला सकते हैं विशेष बहुमत इस सेकेंड पर मैंने लिखा है विशेष बहुमत टू थर्ड प्रेजेंट एंड नोटिंग ब्रैकेट में लिखा है तीसरा लिखा है संघात्मक ढांचे में परिवर्तन तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन मतलब आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस बात को, अगर उस विधायी प्रस्ताव को प्रमाणित कर दें कि जो संसद में प्रस्ताव लाया गया है संविधान संशोधन से वह अच्छा है ये इसका दुर्गामी प्रभाव होगा पूरे राज्य में पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं राज्य हैं उन सभी राज्यों के आधे से अधिक अगर माना अट्ठाईस राज्य तो अट्ठाइस राज्य में अगर हम कहें आधे से अधिक मतलब चौदह प्लस एक पंद्रह यदि राज्य विधानसभाएं किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए किसी भी विधायी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दें कि विधानसभा संसद के समक्ष जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है जो राज्यों को अनुमति के लिए भेजा गया अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है पंद्रह राज्य की विधानसभाएं इस बात का समर्थन करती हैं कि यह संविधान संशोधन होना चाहिए तो और लोकसभा या राज्यसभा के दो तिहाई सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के द्वारा वह अनुमोदन कर दिया जाता है तो उसी तारीख से वह विधाई प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा और यदि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाए तो ऐसा संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा कानून के रूप में जाना जाएगा नीचे मैंने स्क्रीन पर लिखा है इसी में देखे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं कि संविधान संशोधन विधेयक मैंने एक लिखा है यफ डाट तो यह आर का मतलब है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है आधारभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती टू थर्ड मेजॉरिटी जैसा कि आपको मैंने बताया लोकसभा के अगर 540 42 सदस्य हैं तो फोर फाइव हंड्रेड फोर्टी टू का टू थर्ड निकाल लें जितना है और प्लस उसमें एक ऐड कर दें वन ऐड कर दें तो जितने सदस्य होंगे उतने सदस्य को किसी एक तारीख और समय पर लोकसभा में उपस्थित होना होगा दो से यदि सदस्य हैं राज्यसभा में तो टू का वन टू थर्ड जितना आए प्लस एक, एक जोड़ दें राज्यसभा में भी उतने सदस्य उस तारीख और समय पर उपस्थित हों जिस तारीख और समय पर वह विधायी प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है अगर वह पारित हस्ताक्षर कर दें मुद्रांकित कर दें तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ विशेष बहुमत से पारित हुआ विधेयक माना जाएगा अब यदि संघात्मक ढांचे में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक है तो संघात्मक ढांचे में परिवर्तन संबंधी विधेयक तब तक वह कानून का रूप नहीं लेगा जब तक कि देश के जितने भी भारत के आधे से अधिक राज्य हैं उनकी विधानसभाएं उस पर अपनी अनुमति प्रदान न कर दें उसका समर्थन न कर दें अब इसमें मैंने दो इसमें नीचे लिखा हुआ है दो राइडर लगा देखें सर्वप्रथम उन्नीस में 1951 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक निर्णय आया एक केस आया निर्णय के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट हैं भाग तीन के अंतर्गत समानता का अधिकार जीने का अधिकार भ्रमण की स्वतंत्रता क्या मौलिक अधिकार का, का संशोधन हो सकता है या नहीं 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है संविधान की आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में दो तिहाई बहुमत से संसद किसी भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है मैं इसको पुनः आपको एक केस के माध्यम से बताने का प्रयास करूं देखें महत्वपूर्ण वाद स्क्रीन पर देखें इस महत्वपूर्ण वाद में मैंने केस लिखा है इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण ए आई आर दूसरा उन्होंने केस लिखा है केशवान भारती वनाम केरल राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू केस और राज केशवान भारती केस इसमें अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दू गोलकनाथ गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब यह केस नाइनटीन 1967 का है अब इस तीन केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है संविधान संशोधन को लेकर के पार्लियामेंट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग क्या पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है या उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ नियंत्रण हैं तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सबसे पहला मामला 1951 में संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की केस के रूप में आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड ऑल द राइट्स कंफर्ड ऑल द राइट फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत प्रावधानित समस्त मूल अधिकार को संसद संशोधन कर सकती है फंडामेंटल राइट right में संशोधन हो सकता है या नहीं पार्लियामेंट ने कहा संशोधन हो सकता है पार्लियामेंट को पावर है दूसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस में पुनः फंडामें पार्लियामेंट के पावर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है तीसरा केस जो आया 1967 में जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था वह केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखें थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें संसद संशोधन कर सकती है नहीं गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ए आई आर नाइनटीन केस में जब यह विषाणी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों ने यह केस को डिसाइड किया आउट ऑफ इलेवन जजेज छह बहुमत में थे पांच माइनॉरिटी अल्पमत में थे और इसमें मैंने स्क्रीन पर आपको पूरा दिखे सारी सूचना लिखने का प्रयास किया कि गोलकनाथ केस को 11 न्यायाधीशों ने डिसाइड किया उच्चतम न्यायालय के बृहद पीठ को लार्जर बेंच को मामला सौंपा गया कि क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है नहीं तत्कालीन चीफ जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा यह निर्णित किया गया कि संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का संशोधन नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकार जो है वह नॉन अमेंडेबल राइट्स हैं उसमें अप्रिवर्तनीय है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है संसद की संशोधन की शक्ति आर्टिकल 245 में है तीन में सेक्शन आर्टिकल 368 में केवल और केवल प्रोसीजर बताया गया है प्रक्रिया बताई गई है पावर नहीं दी गई पावर संविधान के आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद दो में दिया गया है एक ये व्याख्या हो गई अजीब व्याख्या हो गई माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक तो ये हो गया कि संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है आर्टिकल 368 में केवल प्रोसीजर बताया गया कि बाय व्हाट प्रोसीजर पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पावर इज नॉट वेस्टेड इन इन द पार्लियामेंट एंड पावर इज नॉट कन्फर्ड बाय दैट प्रोविजन पावर उसके द्वारा नहीं किया गया है पावर कहां पर दिया गया है पावर इज कंफर्ड बाई आर्टिकल टू फोर्टी फाइव ऑफ इंडियन दो सौ पैंतालीस में दिया गया है दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि संविधान संविधान के के आर्टिकल आर्टिकल तेरह चार एक देखिए जोड़ा गया इसी गोलकनाथ केस के पश्चात कि जो संविधान संशोधन विधि है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक निर्णय आ गया था ये माननीय उच्चतम न्यायालय का थोड़ा सा उसकी आलोचना की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में केवल प्रक्रिया बताई गई है पावर नहीं है सुप्रीम संसद की संसद की पावर है वो 245 में बताई गई है और संविधान संशोधन विधि भी संविधान के आर्टिकल तेरह तीन के अंतर्गत विधि की परिभाषा में आता है अब इस गोलकनाथ के निर्णय को दूर करने के लिए भारतीय संसद ने चौबीसवा संविधान संशोधन उन्नीस पारित किया जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 13 चार जोड़ी गई आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया जो ये प्रावधानित करता है कि संविधान संशोधन विधियां संविधान के आर्टिकल 13 तीन के अंतर्गत विधि में सम्मिलित नहीं है एक केवल गोलकनाथ केस के प्रभाव को दूर करने के लिए यह संशोधन आया अब पुनः इस संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दे दी गई के भारती केस में लेकिन मैं अभी केशवंत भारती केस को बताऊं उसके पहले आवश्यक है एक केस बताना इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण स्क्रीन पर आप देखें मैंने लिखा है केस को इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण ए आई आर का केस है उसी समय इमरजेंसी लगी थी अब इसमें एक कानून बना था संसद ने एक कानून बनाया 1975 में देखिए उस कानून का नाम है थर्टी नाइन में संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संसद के ऐसे अधिवेशन में पारित किया गया जब संसद के अधिकांश सदस्य सदस्यों को गिरफ्तार करके अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया था जो सदन की कार्रवाई में मतदान नहीं कर पाए अब इस केस में इंदिरा नेहरू वर्सेज राजनारायण ए आई नाइनटीन का जो केस है मिस्टर राज नारायण खुद ही इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव में पराजित कर दिया था और उच्चतम न्यायालय के समक्ष इन्होंने प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इस आधार पर अवैध ठहराया था कि इन्होंने रायबरेली के चुनाव में मनी और मसल्स पावर का यूज किया था और इलाहाबाद कोर्ट के यदि आपको याद हो तो इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया गया था एक इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि उनके विरुद्ध विपक्षियों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है उन्होंने एक कानून बनाया और अपने विपक्षियों को राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी 1975 में 25 जून उन्नीस को और बहुत सारे उनके विरोधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया और संसद में उसी समय उन्नीस में संसद में कानून बन रहा है जिसमें बहुत सारे संसद सदस्य जेल में हैं इधर कानून भी बन गया पार्लियामेंट ने बना दिया और वो संविधान संशोधन हो गया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि और उन वर्ष उन्नीस में बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि नाइनटीन में मिसेज इंदिरा गांधी ने संविधान के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया था आप सभी को सारे संशोधन याद करना चाहिए अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी भी सदन की कोई भी कार्रवाई तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि उस सदन के कुल सदस्य संख्या के एक वन टेंथ सदस्य उपस्थित न हो और मतदान न करें तो उस सदन की कार्रवाई को अवैध माना जाएगा अर्थात संसद के दोनों सदनों के लिए यह संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि सदन में कुल सदस्य संख्या का वन टेंथ सदस्य उपस्थित हों तभी उस कार्रवाई को प्रस्ताव को अवैध माना जाएगा इसमें रेस्पोंडेंट जयनारायण के द्वारा राजनारायण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई प्री किया गया कि चूंकि उनतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के आर्टिकल तीन के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ऐसे समय में पारित कराया गया जिस समय बहुत सारे सदस्य अनुपस्थित थे तो इसे डेमोक्रेटिक नहीं माना जाना चाहिए लोकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थी रेस्पॉन्डेंट के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और निर्णित किया कि सदन की कोई भी कार्रवाई साधारण पर चलन नहीं की जा सकती कि वह गणपूर्ति के अभाव में थी कोरम के अभाव में थी सर देखिए अब मान्यूचर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही संविधान की व्याख्या कैसे की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल सौ एक सौ दो का हवाला देते हुए निर्णित किया गया कि सदन की कोई भी कार्रवाई उसमें खुद ही लिखा है संविधान में लिखा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसमें संविधान में ही लिखा है और संविधान निर्माताओं ने लिखा था तो इसमें हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं है और क्या लिखा है उसमें प्रावधान किया गया संविधान के आर्टिकल सौ उपखंडों में कि सदन की कोई भी कार्रवाई मात्र इस आधार पर अवैध नहीं समझी जाएगी कि सदन के कुछ सदस्य अनुपस्थित थे अब यह अनुपस्थित थे किस वजह से थे जेल में बंद हैं अरेस्ट हैं ये किसी भी कारण से अनुपस्थित हो सकते हैं तो मात्र सदस्यों के अनुपस्थित होने से सदन की कार्रवाई को अवैध नहीं समझा जाएगा तो इसलिए अगर सदस्य जेल में थे एबसेंट थे बावजूद उसके कोई कानून बन गया सदन को सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया तो हम किसी सदन किसी सदन, सदन के सदस्य की अनुपस्थिति से या उपद रिक्त है चुनाव नहीं हुआ बाय इलेक्शन नहीं हुआ उपचुनाव में नहीं हुआ इसलिए चार सदस्य लोकसभा के दो सदस्य चार सदस्य मर गए हैं मृत हो चुकी है वहाँ पर उपचुनाव नहीं हुआ इस आधार पर हम सदन की कार्रवाई को रोक दें अवैध ठहरा दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, सदन की किसी भी सीट के रिक्त वैकेंट होने के आधार पर या लोकसभा के या सदन के सदस्य की, सदस की निरोग्यता के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर सदन की कार्रवाई को हम अवैध नहीं ठहरा सकते जायज होगी वैध मानी जाएगी अब इसलिए इंदिरा नेहरू वैसे रामनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को प्रतिपादित करते हुए दूसरा महत्वपूर्ण केस मैंने आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की केस होता है या आर नाइनटीन का केस है तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट केस आप उसको स्क्रीन पर देखें केसवंद भारती बनाम केरल राज्य या आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट अब इस निर्णय के इस इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो विचारी प्रश्न ये थे कि क्या भारतीय संसद आर्टिकल तीन के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है पावर और प्रोसीजर दोनों आर्टिकल 368 में दिया गया है या पहले का गोलकनाथ का निर्णय सही माना जाए सुप्रीम कोर्ट को यह अवसर प्राप्त था कि पहले के निर्णय अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए तभी संभव है जब 11 न्यायाधीशों से बड़ी न्यायाधीश को इसलिए केशवान भारती केस में आप देखें मैंने लिखा है स्लाइड में नीचे तेरह जज बैठे थे थर्टीन जज में आउट ऑफ थर्टीन सेवन थ्री का सॉरी सेवन थ्री यहाँ गलत लिखा है तेरह न्यायाधीशों की पीठ का जजमेंट है सेवन सिक्स का है सात पक्ष में थे और छः विपक्ष में छः बहुमत मतलब सिक्स जो है माइनॉरिटी ओपिनियन है विसम्मत में निर्णय थे और तेरह न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन थर्टीन जजेज बेंच के द्वारा पूर्ण पीठ के द्वारा बृहद पीठ के द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को पलटते हुए ओवर रूल करते हुए या निर्णित किया गया कि पहला उत्तर दिया गया गोलकनाथ की बात को काटते हुए कि संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत संविधान संशोधन की पावर और प्रोसीजर दोनों सम्मिलित की गई है मैं रिपीट करूं संविधान के आर्टिकल 368 सिक्सटी एट संसद में संसद को शक्ति भी पावर भी देती है संविधान संशोधन की और प्रोसीजर भी बताती है कि क्या प्रोसीजर एडाप्ट किए जाएंगे दूसरा दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि जो गोलकनाथ में केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट संशोधन नहीं हो सकता पार्लियामेंट नहीं मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है अपने पहले के निर्णय को पलट दिया पहले के जजमेंट को बदल दिया गया अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचों में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती आर्टिकल तीन सौ अड़सठ के अंतर्गत चाहे दो तीआई बहुमत से या थ्री फोर्थ मेजॉरिटी या सेवेंटी फाइव परसेंट मेजॉरिटी से हंड्रेड परसेंट मेजॉरिटी से भी संसद बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत वे फंडामेंटल वे आधारभूत पिलर जिसपे संविधान खड़ा है जिसपे संविधान अवलंबित है वे सभी तत्व एलिमेंट जो जिस पर संविधान अवलंबित है जिस पर भारतीय संविधान टिका हुआ है वे आधारभूत ढांचे माने जाएंगे जिसके अनुपस्थिति में हम संविधान के कल्पना नहीं कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर शक्तियों का विभाजन लेजिस्लेचर को क्या करना विधायिका को क्या करना है कार्यपालिका को क्या करना न्यायपालिका को क्या करना है यह स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है विधायिका न्यायपालिका की कार्य को संपादित नहीं कर सकती है या न्यायपालिका विधायिका के कार्य को जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं हो सकती है पार्लियामेंट जुडिशरी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है दूसरा धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है संसद इस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकती है संसद संविधान संशोधन के माध्यम से तीसरा जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की जो एक पावर है संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू करने की कि वेदर इट इज़ गुड और बैड ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की यह संसद संशोधन के द्वारा भी कानून बना के समाप्त नहीं कर सकती है डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार जनता की सरकार जनता के लिए गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल ये जो लोकतंत्र है इसके स्थान पर राजतंत्र नहीं हो सकता मोनार्की नहीं हो सकती यह yes, लोकतंत्र जो संसदीय लोकतंत्र है यह संविधान का आधारभूत ढांचा है अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संसद के संशोधन करने की पावर को संवैधानिक ठहराते हुए यह निर्णित किया कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन को छोड़कर संसद आर्टिकल तीन के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन संशोधन कर सकती है तो इस रूप में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया वह निश्चित रूप से संसद की अनियंत्रित अमर्यादित संशोधन शक्ति पर एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण है कंट्रोल है कि आप कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उस टेस्ट से अगर वह खरा नहीं उतरा है कानून तो हम उस कानून की लीगैलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन के आधार पर स्ट्रक डाउन कर देंगे शून्य घोषित कर देंगे तो अब इस देखिए केशवन भारती का केस हो गया 1973 में और आपको जानकर आश्चर्य होगा दो के, दो समस्याएं पूछी जाती हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में सर्वप्रथम किस वाद में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को लागू किया गया आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया केस ऑन और, और किस संविधान संशोधन अधिनियम को आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया तो उनतालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम १९७५ को जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्लोकन के उल्लंघन के आधार पर आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था जिसमें प्रावधान किया गया था उनतालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस जैसा कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी मिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया उसमें प्रावधान कर दिया गया था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध करार दिया गया तो उसी बीच उन्होंने संसद में कानून बना दिया कि भारत का भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है और प्रधानमंत्री का निर्वाचन वैध था वैध है और वैध रहेगा इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है अब इस कानून संसद ने वो कानून भी पारित कर दिया आश्चर्य की बात देखें और उसमें बहुत सारे सदस्य जेल में भी थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि यह जो संस यह जो प्रावधान किया गया संविधान के आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्याय जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया ये संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है अभी ठीक 1973 में दो वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को इवॉल्व किया और 1975 में पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया जो कि जुडिशियल रिव्यू को कटिल कर रहा है एंड बाय दैट अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन टेकन अवे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमने दो वर्ष पूर्व ही आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसमें कहा था कि संसद संशोधन के माध्यम से भी जुडिशियल रिव्यू के पावर को नहीं छीन सकती है और इस उनतालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के 1975 के द्वारा इस कानून के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीनने का प्रयास किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा यही इंदिरा नेहरू वैसे नारायण की केस इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण की केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन उनतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस का वह प्रावधान जिसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्र से बाहर रखा गया है यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है अतः असंवैधानिक है तो इस रूप में आप देखें कि मैंने संघ की विधायिका और विध निर्माण के पावर को लेकर के मैंने आपको बताने का प्रयास किया और इसमें संसद पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं राष्ट्रपति की और राज, राजसभा राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं साधारण विधेयक से लेकर मैंने धन विधेयक और विधि विधेयक की बात बताई संविधान संशोधन विधेयक की बात बताई संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये भी मैंने बताई राष्ट्रपति संसद के पावर को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस केस में कहा गया कि केवल मौलिक अधिकार परिवर्तन योग्य नहीं है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है और फिर संसद को कानून बनाना पड़ गया कि संविधान संशोधन विधियां जो है वह तेरह में तेरह तीन में सम्मिलित नहीं है संविधान संशोधन विधियों को और प्रोटेक्शन देने, देने के लिए संरक्षण देने के लिए संसद ने कानून बनाया मैंने आपको शंकरी प्रसाद से लेकर के केशवान भारती तक के केस को बताया शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस गोलकनाथ केसवान भारती बनाम केरल राज्य इंदिरा नेहरू वर्ष नारायण केस मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान का आधारभूत ढांचा है धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है शक्तियों का विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर यह संविधान का आधारभूत ढांचा है तो ये सा, ये सारी केस बताने का प्रयास ये था कि आप सभी लोग संघ की विधायिका विनिर्माण करने की पावर को भली भांत समझें और उस पूरी समग्र समग्रता से समझने का प्रयास करें इतना यदि आपने समझा होगा सभी छात्र यदि मेरी इस व्याख्यान को सुने होंगे मेरे व्याख्यान को आप यदि आत्मसात करेंगे स्लाइड में लिखी गई बात स्क्रीन के माध्यम से आप देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक निर्माण की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की विधि निर्माण में भूमिका संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान आधारभूत ढांचे का सिद्धांत मौलिक अधिकार और संविधान संशोधन में क्या संबंध है इसको मैंने विस्तार से चर्चा की इसी व्याख्यान के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ इस आशा उम्मीद के साथ कि आप शत प्रतिशत इससे लाभान्वित होंगे धन्यवाद थैंक यू